नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा कई बार इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और वो दर दर भटकने को मजबूर रहता है। लोगों को उनके अधिकार और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और यही वजह होती है कि वो इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। और इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के जरिए कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो वाइकेरियस लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस विषय से संबंधित अगर किसी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी से जुड़े कानूनी प्रावधानों की, यानी किसी अन्य के अपराध से जुड़ी जिम्मेदारी से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। इस विषय से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन अगर आपके सामने है, कोई रास्ता कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ प्रयागराज से सौरभ बसु जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। साथ ही लखनऊ से मंजुषा कपिल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत सबसे पहले सौरभ बसु जी आपसे, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि ये वाइकेरियस लाइबिलिटी होता क्या है। वाइकेरियस लाइबिलिटी एक टर्म है जिसमें ये कहा जाता है कि आप कोई भी काम अगर आप करते हैं, आप जिसके एम्प्लॉयमेंट में हैं उसके तहत करते हैं, उसके लिए करते हैं, तो वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर काम कार्य करने के समय आपका जो भी ड्यूटी है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, वो सारी चीज़ें गवर्न होती है कंपनी द्वारा, आपके एम्प्लॉयर द्वारा। तो जो भी कार्य कृत आप करते हैं, जो भी एक्शन आप लेते हैं, वो कंपनी के बिहाफ पे करते हैं, उनके लिए करते हैं। इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल और एजेंट का जो प्रक्रिया है, वो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। इसमें रिलेशनशिप किसी को दिखाना पड़ता है, मान लीजिए सर्वेंट मास्टर का हो या प्रिंसिपल एजेंट का हो या पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर के लिए दूसरे पार्टनर के लिए किया जाता है किसी एक पार्टनर द्वारा, वो हो। कंपनीज का भी इसमें सेम ऑफेंस उसमें आता है वाइकेरियस लाइबिलिटी में, कि कंपनी के बिहाफ में अगर कोई काम करता है तो वो कंपनी पूरी उसमें रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो भी आपका एजेंट या जो भी आपके डायरेक्टर या प्रोमोटर ने काम किया है वो कंपनी उसको इंडेमनिफाई करता है। तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात होती है, जो जैसे कि हम कहते हैं कि आपके लिए अगर किसी आपके सर्वेंट ने या आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ने आप कुछ काम कर दिया है, तो वो सारी चीजें मास्टर और एम्प्लॉयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस एक्ट के लिए। इंश्योरेंस कंपनी में कोई एजेंट है, वो एजेंट ने किसी चीज को बताया है और आपको किया गया है। सेम चीज बैंकिंग के उसमें, जहां भी कोई एम्प्लॉई आपकी कंपनी के लिए कोई काम करता है, तो वो सारी चीजें जिम्मेदारी जो कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, उसकी हो जाती है। दिस इज नोन एज वाइकेरियस लाइबिलिटी। इसी के तहत हमारे कानूनी प्राविधान दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे चलता है और इसी में आपके ऑफेंसेस उस हिसाब से रेटिफाई किया जाता है। चले बिल्कुल, और भी तमाम बारीकियों को हम समझेंगे और साथ ही अपने दर्शकों से भी बार बार हम अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है,
कोई विकल्प, कोई रास्ता अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज हम बात कर रहे हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी, इससे संबंधित क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, यानी किसी अन्य के अपराध से जुड़ी जिम्मेदारी से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहते हैं, इस विषय से संबंधित या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई विकल्प आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वो लाइन्स खुल चुकी हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और क्या बेहतर कानूनी प्रक्रिया, क्या बेहतर कानूनी विकल्प आपके लिए हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मैं नियम और शर्तों के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा सौरभ बसु जी, कि वाइकेरियस लाइबिलिटी से जुड़े जो नियम और शर्तें होती हैं, हम चाहेंगे कि सरल भाषा में आप दर्शकों को बताएं किस तरह के नियम होती हैं, क्या शर्तें होती हैं। लेकिन नियम तो यही है, जैसे कि हमने कहा कि इस चीज में एक रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत जरूरी है कि आप प्रिंसिपल और एजेंट के, मास्टर और सर्वेंट के कैटेगरी में है। आप अगर किसी कोई एक्शन कोई किसी ने लिया है, अगर आप उसको रेटिफाई नहीं करते, इंडेमनिफाई नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप खड़े नहीं होते हैं, तो वो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर आदमी ने जो एक्शन लिया है वो उसका इंडिविजुअल कैपेसिटी में कार्य हो जाता है। अगर वो कंपनी इंडेमनिफाई कर देती है उस चीज को, तो ही वो वाइकेरियस लाइबिलिटी के उसमें कैटेगरी में आता है। इसमें हमने ये डिफरेंस इसलिए बताया कि जब भी कोई काम होता है, मान लीजिए ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट अगर कोई काम किया गया है, जो काम उनको ड्यूटी में आते हैं उसमें अगर किया गया है, तो वो वाइकेरियस लाइबिलिटी की श्रेणी में आता है। अगर कोई काम आप हटके किया जो कि आपको ड्यूटी नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो वो वाइकेरियस लाइबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसमें मेन चीज मुद्दा ये है कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और सेकेंड है और वो मास्टर और सर्वेंट के कैटेगरी में होना चाहिए, और इसी के तहत आप जो काम कर रहे हैं तब वो मास्टर उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने जो भी काम किया है उसके लिए एक जो आपका प्रिंसिपल है, जो मास्टर है, जो कंपनी है, वो आपके लिए खड़ा रहेगा। आपके जो भी काम किए गए हैं उसके लिए वो अपना आपका दोष अपने ऊपर ले सकता है। चलिए, मंजुषा कपिल जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। मंजुषा कपिल जी, आप कैसे डिफाइन करेंगी, कैसे परिभाषित करेंगी वाइकेरियस लाइबिलिटी को? वाइकेरियस लाइबिलिटी की जो बात हो रही है वो ये कह सकते हैं जो काम हमने नहीं किया है, इनडायरेक्टली जो हम इन्वॉल्व हैं उसमें, लेकिन डायरेक्टली मैंने वो काम नहीं किया है, जिसने किया है उसके बिहाफ पे हमको लाइबल ठहराना जी, हमारे वो काम ना करते हुए भी उस काम के लिए हमको जिम्मेदार ठहराना जो काम हमने नहीं किया है। अब ये वाइकेरियस लाइबिलिटी वर्ड आता है, जैसे आपने भी बताया कि किसी कंपनी से जुड़े हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जी। जैसे रोड एक्सीडेंटल हम लोग देखते हैं केसेस, इसमें क्या होता है, गाड़ी इंश्योर्ड होती है, ड्राइवर होता है, उसकी गाड़ी इंश्योर है किसी इंश्योरेंस कंपनी से। अब चूंकि इंश्योर्ड है तो एक आपने देखा होगा सुना होगा, कहते नहीं इंश्योरेंस था कंपनी गाड़ी का, तो पैसा देने की लायबिलिटी, उसके डैमेज जैसे कंपनसेशन देने की लायबिलिटी आ गई इंश्योरेंस कंपनी की, क्योंकि गाड़ी इंश्योर्ड है। तो इसको हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं ये हमारी वाइकेरियस लाइबिलिटी, क्योंकि एक्सीडेंट उस कंपनी ने तो किया नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने ना, इंश्योरेंस कंपनी के किसी एजेंट ने किया, लेकिन जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो इंश्योर्ड थी किसी एक कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से। अब चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रॉमिस कर रखा है, ये वहां पे उनके बीच में जिसने इंश्योर्ड किया है और जो इंश्योर्ड हुआ है, उन दोनों के बीच में ये टाई अप हुआ है, ये शर्तें हैं कि जो भी अगर डैमेजेस होते हैं, कुछ होते हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी झेलेगी जी, देखेगी। तो इंश्योर जिसने की गाड़ी हुई और जिसने इंश्योरेंस किया, अब कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट है ना इंश्योरेंस कंपनी से, वो आदमी जिसकी गाड़ी इंश्योर है, तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जी, जो दिख नहीं रहा लेकिन कनेक्शन है। तो उस गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ उसने अगर क्लेम किया, उसने कंपनसेशन लिया, तो अब इंश्योरेंस कंपनी उसको डैमेजेस दे रही है उस पार्ट को जो कोर्ट अवार्ड करेगी, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम के लिए फाइल करेगा उसमें इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाता है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी ये बर्डन जाता है कि वो कंपनसेशन देती है। अब यहीं से अगर इसी एग्जांपल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखेंगे गाड़ी इंश्योरेंस थी और जिसने इंश्योर्ड किया था, अब एक तरह से वो मास्टर हो गया, ये उनका क्लाइंट हो गया, उनसे कनेक्टिविटी है,
तो चूंकि इन्होंने कंपनी ने उनको इंश्योर किया था कि आपके डैमेजेस को इस तरह की ये शर्तें थी इनको आपने एक्सेप्ट किया था, तो ये सीधा हमें बहुत वाइकेरियस लाइबिलिटी को समझने के लिए मेरे पास ठीक एग्जांपल मुझे समझ में आता है जो मोस्टली सब लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस है कंपनी का, तो इंश्योर्ड का इंश्योरेंस कंपनी हमें डैमेजेस दे रही, तो इसको हम वाइकेरियस लाइबिलिटी की तरह से देख सकते हैं। नहीं, जैसा आपने एग्जाम्पल भी दिया, मैं सौरभ बसु जी आपसे समझना चाहूंगा, जैसे एक एक्सीडेंट केस का हवाला दिया कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो लाइबल होती है कि अगर इंश्योरेंस कराया गया है, लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी का कोई ड्राइवर है, अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी की जान चली जाती है, तो उस केस में केस किस तरह से चलेगा? क्या ड्राइवर को ही उस हादसे के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, या फिर जिस कंपनी का ड्राइवर है तो उससे कंपनी के खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दोनों चीज है इसमें, कंपनी के खिलाफ भी हो सकता है, जो जब FIR होती है तो वो ड्राइवर और कंपनी के जो मालिक होते हैं या कार के जो मालिक होते हैं उनके खिलाफ होती है। तो और जो पैसा लेने की जो इंश्योरेंस की बात है, तो वो अगर गाड़ी इंश्योर्ड है तो वो इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। जब ये टोटल चीजें जब मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स वगैरह निपटाया जाता है तब उसमें देखा जाता है कि किसकी लायबिलिटी बनी है। अगर आप खुद ही इसमें नेग्लिजेंट है, आप लापरवाह थे, तो आपके ऊपर ये थोपा जाता है कि आपने गलती किया है, आपकी लापरवाही से ये हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है। टोटल अगर इंश्योरेंस ये है, अगर इंश्योरेंस क्लेम किया जाता तो ये निपटाने के ऊपर, एविडेंसेस के ऊपर जो केसेस जैसे चलते हैं, जैसे ट्रायल होता है, नॉर्मल ट्रायल्स होते हैं, उसमें वो दिया जाता है। इसमें 304 आईपीसी के 304 ए का जो प्राविधान है उसमें यही है कि नेग्लिजेंट एक्ट के लिए आपको दिया जाएगा। तो आपका, हम लोग का जो मुद्दा आज है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, वाइकेरियस लाइबिलिटी में हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर ड्राइवर ने कोई काम किया है तो उसके लिए मालिक रिस्पॉन्सिबल है, मालिक भी सेम कैटेगरी में उसका आता है, लेकिन जो चीज एक्चुअल ऑफेंस बनता है, क्रिमिनल ऑफेंस का बनता है, वो ड्राइवर क्योंकि मौके पे मौजूद था तो ड्राइवर के ऊपर बनता है। वाइकेरियस लाइबिलिटी के हिसाब से मालिक को भी इसमें लिया जाएगा, ऑफेंडर होंगे वो भी, लेकिन जो चीज ऑफेंस की बात है वो ड्राइवर के ऊपर है। अब क्लेम्स की बात जो, हाँ, सिविल लाइबिलिटी की बात हो जाती है, तो क्लेम जो सेटलमेंट होगा उस पे लापरवाही नेग्लिजेंस देखा जाता है कि कौन नेग्लिजेंट था। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी ही जो क्लेमेंट है उसकी पार्टी ही जो अगर आ रही थी गलत तरीके से, तो उसकी लापरवाही थी, तो उसके ऊपर जा सकता है ये चीज कि आपकी क्लेम सेटल इस हिसाब से हो रहा है कि आपकी भी लापरवाही थी। तो ये इंडिविजुअल दोनों के हिसाब से कोल्यूसिव चीज थी, तो इसी से आपका जो है दोनों का देखा जाएगा और उस हिसाब से उसको सेटलमेंट होगा। तो मंजुषा का वाइकेरियस लायबिलिटी की जहां तक बात है, अपनी बात पूरी कर लीजिए, वो सिर्फ आपका मास्टर और सर्वेंट का बेसिस है, वहां पे उस हिसाब से रिलेशन देखी जाएंगी इसमें। तो इस तरह के मामलों में मंजुषा कपिल जी, किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? जैसे आपने एग्जांपल एक रोड एक्सीडेंट का दिया, इस तरह के मामलों में अगर ड्राइवर है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और अगर कंपनी है तो उस कंपनी के खिलाफ किस तरह का एक्शन हो सकता है? देखिए, रोड एक्सीडेंट का मामला इसलिए एज एग्जांपल दिया कि मोस्टली पब्लिक इससे जुड़ी हुई है, बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकती है। अभी एक छोटा सा, मतलब बिल्कुल एकदम जो लोगों ने देखा भी हुआ होगा, रोड एक्सीडेंट होता है तो तुरंत पुलिस आती है और ड्राइवर को और गाड़ी को, अगर वो दोनों पकड़ में आ गए हैं या रोक लिए गए हैं या रुक गए हैं या मिल गए हैं, तो जाकर के थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद FIR दर्ज होती है। इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी कोई एक्सीडेंट करके भाग रही होती है तो पकड़ जाती आगे जा करके, या पता चलता है जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको तो तुरंत सब लोग लेके चले गए हॉस्पिटल, तो पुलिस वो मामला दर्ज कर लेती है कि इस जगह पे किसी वाहन का अगर नहीं पता चला है, किसी गाड़ी का नहीं पता चला, तो अज्ञात वाहन से एक रोड एक्सीडेंट हुआ। अब वो FIR दर्ज हो गई एक्सीडेंट होने की, जिसमें कोई एक या दो तीन पर्सन है अगर वो इंजर्ड हुए हैं किसी तरह से, या उनको इंजरी आई है, या हॉस्पिटलाइज हुए, या कुछ है, चोट आई है, तो ये एक्सीडेंट का मामला दर्ज होता है। या मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है गाड़ी टकराई, उसके बाद कोई गाय या काफी कुछ ऐसे जानवर है जो सड़क पे हैं, वो उनको डैमेज किसी तरह से हुआ, इंजरी आई, तो भी ये मामला था, क्योंकि दो गाड़ी उसमें डैमेज हो रही होती है। और चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जानवरों के लिए कि इनका जो भी रिकॉर्ड रखना, तो एक FIR हमारी दर्ज हुई। अब FIR दर्ज हुई तो उसके बाद आपने सुना होगा लोग कहते हैं ड्राइवर को बेल करानी पड़ेगी जी।
अब चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है, जो एक्ट हुआ है वो 304 में नेग्लिजेंसी ड्राइविंग है। नेग्लिजेंसी ड्राइविंग में लाइबल कौन है? इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। इसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था, उसकी लापरवाही से या जो भी सरकमस्टांसेस वहां पे रहे, जो भी सिचुएशन रही, उससे एक्सीडेंट हुआ है जी जी। तो उसमें कौन ड्राइवर इन्वॉल्व हुआ? यहाँ पे इंश्योर्ड कंपनी या वाइकेरियस लाइबिलिटी लेकर के गाड़ी का मालिक बेल कराए, पेपर जिसके नाम है, या तो गाड़ी के मालिक चला रहा होगा गाड़ी या ड्राइवर चला रहा होगा, तो इन दोनों में से जो भी होंगे ऑन स्पॉट जो ड्राइविंग कर रहे होंगे, या तो विटनेसेस के स्टेटमेंट में आ जाता है या पता चलता है इस नंबर की गाड़ी थी, भाग के आगे गई है, तो उस गाड़ी के नंबर के साथ उसको सर्च करके उनको नोटिस दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तो उसमें बेल करानी पड़ती है। मुकदमा दर्ज हो गया है हमारा 304 में जो लापरवाही से ड्राइविंग जो कह सकते गाड़ी चलाना। अब वो एफआईआर हुए, उन्होंने ये क्रिमिनल में आईपीसी में दर्ज हुआ, ठीक है, इंडियन पेनल कोड में। अब उसने बेल कराई, ये मामला मेरा अलग चल रहा है जिसमें नेग्लिजेंसी ड्राइविंग है, ये मामला अलग चल रहा है। अब एक मुकदमा जो इंजर्ड हुए हैं या किसी के घर का पर्सन जो डेथ हो गई है, वो एक मोटर एक्सीडेंटल क्लेम फाइल करते हैं जी। जो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम, यहाँ देखिए दो चीजें आ गई, वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात जो आ रही है वो हमारी आ रही है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम के केसेस में, जिनको जनरल भाषा में एमएसीटी केसेस कहते हैं जी जी। एक जो 304 की बात आ रही है वो आईपीसी की बात आ रही है, वो हमारी उस पे फिक्स हो रही है जो ड्राइविंग कर रहा था जी, जो ड्राइवर था वो वहां बेल कराएगा, फिर गाड़ी रिलीज होगी, गाड़ी मालिक आके रिलीज कराएगा, या तो गाड़ी मालिक बोलता है हम गाड़ी चला रहे थे भाई, हम हैं, मैंने बेल कराई है, कोर्ट उसको सुनती है, देखती है बेल देनी चाहिए नहीं, जो भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है बेल होती है, उसके बाद गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन पड़ती है, वो गाड़ी चूंकि केस प्रॉपर्टी बन चुकी होती है, उसका टेक्निकल मुआयना होता है, सारी चीजें सारी फॉर्मेलिटी के साथ श्योरिटी के साथ गाड़ी रिलीज की जाती है। इधर मोटर एक्सीडेंटल क्लेम वो फाइल करता है जो इंजर्ड हुआ है या जिसके घर का कोई बंदा डेड है, डेथ हो गई जिसकी, उसने जब मोटर एक्सीडेंटल क्लेम को मांगा तब ये देखा जाता है गाड़ी इंश्योर्ड थी, तब वो उससे जो इन्वेस्टिगेशन 304 में जो एक्सीडेंट से एफआईआर दर्ज हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी इसमें काम आती है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो गाड़ी कौन सी थी, किसके नाम रजिस्ट्रेशन था, उस गाड़ी के इंश्योरेंस या जो भी फॉर्मेलिटीज है मोटर एक्सीडेंट का, हाँ वो प्रॉपर पेपर थे कि नहीं थे, थे नहीं थे, ये सारा चीज हमारी केस डायरी पुलिस तैयार कर लेती है। ये तो बात आपने कर दी कि चार्जशीट लगा जो भी उस वाहन को चला रहा था ड्राइवर उससे संबंधित, लेकिन कंपनियां इसके लिए कितनी उनकी लाइबिलिटी होगी। एक दर्शक हमारे साथ पटना से राहुल जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, क्या परेशानी राहुल, सवाल कीजिए। हाँ मैं राहुल बोल रहा हूँ पटना से। मेरा सवाल ये था कि एक महीने पहले मैं एयरपोर्ट के लिए मैंने एक प्राइवेट एजेंसी से गाड़ी हायर की थी, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, वो एक आदमी को उसने भेड़ दिया और उसकी वजह से मेरे ऊपर केस चल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें मेरी क्या गलती है जबकि मैंने एक दूसरे ड्राइवर को हायर किया था और मैं पीछे बैठा था, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? सौरभ बसु जी क्या जवाब देंगे, क्या विकल्प इनके पास बचता है? देखिए इनके ऊपर किस चीज का मुकदमा है, एफआईआर में इनका नाम है कि इनके खिलाफ क्या चल रहा है कि एक्सीडेंट क्लेम का जो मुकदमा है ये राहुल आवाज आप तक पहुंच रही है, किया नहीं ये है। मुकदमा आपके नाम पर भी है? हाँ हाँ मेरे नाम पर भी है कि मैंने मेरी वजह से ये हुआ। क्या मुकदमा है? मुकदमा एफआईआर में है कि मेरी एक्सीडेंट हुआ था मेरी वजह से, मुझे पूरी तरह से बताया नहीं गया, मेरे लॉयर भी है। सौरभ असुर जो भी चीज आपका है आपके खिलाफ अगर कोई भी चीज ऑफेंस का दिखाया गया है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करिए कि आपके खिलाफ आपने ये एक एजेंट को हायर किया था, एक ड्राइवर को हायर किया था, उसके लापरवाही के कारण ये हुआ है और आपकी इसमें कोई दोष नहीं है, जो भी चीज था सामने है और वो वहां पे नेग्लिजेंट ड्राइविंग के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था या जो भी आपके जो भी तथ्य है उस समय वो एफआईआर के बेसिस पे ही आपको किया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आपको ऑफेंस कितना आपके खिलाफ दिया गया है, वो सारी चीजों को देखते हुए ही आप अपना ऑब्जेक्शन एक फाइल करिए पहले तो, और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद अगर वो एक्सीडेंट क्लेम में भी आपको लिया जाता है तो उसमें भी आप सेम चीज उसको भी ऑब्जेक्शन देने के बाद ही एक नतीजे पे वो पहुंचेंगे कि आपकी उसमें लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। नहीं लेकिन एक चीज मैं सौरभ बसु जी आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक ड्राइवर को हायर किया था एयरपोर्ट जाने के लिए, तो क्या मंजूषा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं गाड़ी जी हम अगर हायर किया था तो वही सेम इसी प्रिंसिपल लगेगा इसमें। हाँ
जी मंजूषा जी, जो राहुल जी का सवाल है कि ये इन्होंने गाड़ी इन्होंने हायर की थी, हायर करने के बाद उस गाड़ी से ये जा रहे थे। हाँ। तो ये जा रहे थे, अब एफआईआर दर्ज हुई, चूंकि हमने बताया ऑन स्पॉट पे जो जो भी गाड़ी में होगा उसके सबके नाम एफआईआर में आएंगे, चूंकि ऑन स्पॉट गाड़ी पकड़ गई होगी। तो एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर गाड़ी प्लस आप थे उनके कस्टमर, क्लाइंट थे उनके, जिस गाड़ी से आप जा रहे थे, आप पुलिस को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते थे, इस गाड़ी को मैंने हायर किया था, मैं सिर्फ इसको यूज कर रहा था इस जगह पे उस जगह जाने के लिए। हाँ। मेरे इस गाड़ी से और कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ एज अ क्लाइंट मेरा कंसर्न है। अब एफआईआर तो दर्ज होगी क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम है कि आप गाड़ी के मालिक हो या गाड़ी के साथ में, गाड़ी से आप किस तरह से कनेक्टिविटी आपकी, ये किसी को नहीं मालूम है। अगर रिसेंट मामला है तो आप सारे के पेपर्स, ये जो आपने आपके पास इसके मैसेज आता है जब आप गाड़ी हायर करते हैं, उसका प्रिंट आउट लीजिए और सारे पेपर्स लीजिए, और जहां एफआईआर हुई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है उसको विद एफिडेविट आप उनको दीजिए, वरना एसपी को आप रजिस्ट्री करिए विद एफिडेविट कि मैंने गाड़ी को मैंने एज अ क्लाइंट यूज किया था, मैंने इतने बजे इसको हायर किया था, मेरा बिलिंग अमाउंट इतना था, मुझे इस नंबर से कोड नंबर से मुझे ये मैसेज आया था, मैं सिर्फ यहां से वहां जा रहा था। अगर उसके बाद भी पुलिस, हमें नहीं लगता है पुलिस सिर्फ आपके खिलाफ चार्जशीट लगाएगी, पुलिस इसमें आपको एग्जम्प्ट कर देगी क्योंकि आप एज अ उसमें क्लाइंट थे। बाय चांस एक बार देखा जाता है, इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होता है, पुलिस सबका लगा करके आगे भेज देती कि चार्जशीट आ गई। अब आपके सामने चार्जशीट आ गई है तो चार्जशीट को आप, चार्जशीट आएगी कोर्ट में, उसके बाद बाय चांस अगर आपको बेल करानी नौबत आती तब कोर्ट में भी आप बेल एप्लीकेशन जब मूव कराएंगे तब आप कोर्ट में भी ये सारे पेपर्स अपने दे सकते हैं, मैं एज अ क्लाइंट था, मैंने उस गाड़ी को हायर किया था, उस गाड़ी को हायर करने से रिलेटेड आपके पास जो भी पेपर्स हैं, उस बेल एप्लीकेशन को अगर आपको अपियर होना पड़ता है कोर्ट में तो आप लगा के देंगे, तो कोर्ट आपको बेल तो ग्रांट करेगी, लेकिन अब चूंकि चार्जशीट आ गई होगी तो चार्जशीट आपको चैलेंज करनी पड़ेगी, वो तब जब आपको सम्मन आएंगे, चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी, फिर आपको कोर्ट सम्मन भेजेगी, जब सम्मन आपके पास आएंगे तब आप उस चार्जशीट को चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने के लिए आप ऑनरेबल हाईकोर्ट आएंगे, चार्जशीट को चैलेंज करेंगे कि मेरा ग्रेवांस ये है, मेरे पास ये, मेरे खिलाफ गलत चार्जशीट आई, कोर्ट ने मुझे गलत समन किया है, और जितना बातों से मुझे लग रहा है रिसेंट मामला होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनके अगेंस्ट चार्जशीट नहीं लगाएगा और कोर्ट में भी मामला जाएगा तो भी। इसके अलावा एक रेमेडी और है, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर में इनका नाम है, तो ये ऑनरेबल हाईकोर्ट आ सकते हैं आर्टिकल 226 में मैंडमस के लिए कि कोर्ट में अपना अरेस्ट स्टे या एफआईआर क्वेश्चनिंग में आ सकते हैं। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं राहुल जी जो तरीका आपको मंजूषा कपिल जी ने और सौरभ बसु जी ने बताया वो तरीका अगर आप अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपकी परेशानी है इस परेशानी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और बहुत शुक्रिया सौरभ बसु जी आपका भी, मंजूषा कपिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस विषय पर बारीकी से अपनी राय रखने के लिए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब उत्तर उन तक पहुँचाने के लिए। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है, और इस अभाव को दूर करने के लिए रोजाना हम अपने दर्शकों के बीच मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।